के भानु बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। पहले मतदान फिर पान, वोट डालिए फ्री पान खाइए। बात बनारस की हो और पान का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अब तो वाराणसी में लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव का वक्त है। ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से इस महापर्व को खास बनाने की कोशिश में जुटा है। काशी विश्वनाथ की नगरी में 1 जून को वोटिंग होगी, जिसके बाद हर कोई चाहेगा कि उसे बनारसी पान खाने को मिल जाए, और वो पान फ्री में मिल जाए तो बात ही क्या। वाराणसी के पान वाले लोगों की ये ख्वाहिश भी पूरी करने वाले हैं। पान वाले ज्ञानेंद्र चौरसिया ने एक अनोखा ऑफर निकाला है, पहले मतदान फिर पान फ्री। यानी अगर आप पहले मतदान करके आएंगे और अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाएंगे तो आपको पान फ्री में मिलेगा। पान विक्रेता का असली मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान से जोड़ना है। मेरा नाम ज्ञानेंद्र चौरसिया है, ऐसे बाबू का नाम से लोग जानते हैं हमें। ये जो आपने लगा रखा है ऑफर, ये कब तक के लिए है, इसका क्या मकसद है और किस तरह लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है जो वोट डाल के आएंगे? ये जब चुनाव को वजह से हम रखें कि सब लोग भारी मतों में, मतलब भारी से भारी वोट करें। लोकतंत्र का महापर्व है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अब पहले लोग मतदान करें, फिर पान खाएं, फिर जलपान करें। मेरे यहाँ फ्री पान है, लोग आए खाएं और फिर उसके बाद जलपान करें। ये पूरी तरह से फ्री है उन सभी लोगों के लिए जो मतदान करके आएंगे सबसे पहले, और आपके यहाँ मुफ्त में पान खाएंगे जी। वो हमें उंगली दिखाएंगे कि हाँ मत दे दिए तो हम उनको पान देंगे, कि आप मत दे दिए तो आप पान खा लीजिए, अगर बिना उसके हम नहीं देंगे पान। ज्ञानेंद्र चौरसिया की इस अनूठी पहल से ग्राहक भी खुश है। उनका कहना है कि ये ऑफर उनके लिए सोने पर सुहागा है, साथ ही इससे उनके फेवरेट पीएम मोदी का भी वोट प्रतिशत बढ़ेगा। इन्होंने जो स्कीम लाया है बहुत अच्छा स्कीम है, 100% मतदान के लिए है इनका, और 100% मतदान के लिए जो इनका वो है अभियान है, ये बहुत सराहनीय है। और पान आप आइए वोटिंग कीजिए, और काशीवासी सबसे सूत उठते पहले आप काम करते हैं पान खाते हैं, तो काशीवासियों को लिए ये सुनहरा मौका है। आप अपना निशान दिखलाइए और यहाँ फ्री पान मिलेगा, ये बहुत उत्साह का विषय है। इनका जो गिलहरी सहयोग है ये बहुत अच्छा सहयोग है और बहुत ही बढ़िया सहयोग है, और मैं तो सुबह 7 बजे पहला वोट डाल के इनके यहाँ पान खाने आऊँगा। ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व जो है, इस पे इन्होंने जो जागरूकता का जो ये भावना इन्होंने पेश किया है, इसके लिए मैं बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। और सारे लोगों को सबसे पहले वोट डालना चाहिए, यह अपना अधिकार है, यह पहले प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद आकर यह जश्न के माहौल में फ्री में पान खाना चाहिए। और हम लोग यह पर्व को जो है बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। त्यौहार के रूप में बनारस वैसे भी हरफन मौला शहर माना जाता है, और यहाँ के लोग बड़े मस्त मौला और बहुत ही फकीर टाइप के रहते हैं। अल्लड़पन यहाँ का काफ़ी मशहूर है, यहाँ की गलियाँ मशहूर है, घाट मशहूर है, उसी तरह बनारसियों का अपना अंदाज मशहूर है। तो ये जो एक अंदाज है, छोटी सिंह की दुकान से ये ऑफर है निकाला इन्होंने, कितना इसकी सराहना करेंगे या कितना इससे प्रेरित हो रहे हैं? सर हम लोग तो मतलब पान के लिए, मतलब हम लोग हमारी ही दुकान है, हम लोग पान का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100% मतदान लोग करें और पान हमारे यहाँ से फ्री पान खा के जाएँ, उंगली का निशान दिखाएं और पान फ्री खाएं। हम लोग का ये है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। हमारे पीएम महोदय भी कल वाराणसी के नाम संदेश भेजे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए, अगर बनारस में ज़्यादा से ज़्यादा मत होगा तो हमारे पीएम का भी सम्मान बढ़ेगा। यानी पान वाले के इस ऑफर के जरिए नेताओं को वोट मिलेंगे और लोगों को फ्री में पान। अपने तरह का ये अनूठा प्रयास, अनूठा प्रयोग वाराणसी में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और इसी का नतीजा है कि एक पान विक्रेता ने अपनी दुकान पर पहले मतदान फिर फ्री में बनारसी पान का ऑफर निकाला है, जो लोगों में जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। रोशन जायसवाल, वाराणसी।